राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ नफरत की आग फैली हुई है और कई इलाकों में धारा 144 लागू है, वहीं आपको बता दें हाल ही में एक वीडियो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से, जिसमें एक युवक गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। उसके सामने एक पुलिस का कांस्टेबल है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, वो अपनी जगह से नहीं हिलता और गोली चलाने वाला शख्स उसे धमकाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए पीछे भी नहीं हटता। आपको बता दें इस पुलिस ऑफिसर की बहुत तारीफ हो रही है, लोग इसकी बहादुरी के दावे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस इसी तरह से काम करे तो इस तरह की हिंसाओं को रोका जा सकता है। आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा में मौजपुर में पिस्तल थामे एक युवक नजर आ रहा है। इस युवक का नाम है शाहरुख। जी हाँ, शाहरुख नाम का ये युवक पिस्तौल लिए एक हवलदार के सामने आता है और उसे पिस्तौल ना सिर्फ दिखाता है बल्कि 3 राउंड फायरिंग भी करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के बाद लोग इस पुलिस कर्मी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें युवक जो है जिसका नाम शाहरुख है, उसके सामने लाठी लेकर एक पुलिस कर्मी खड़ा है और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। लोग पुलिस कर्मी की बहादुरी की तारीफें कर रहे हैं। ये निडर पुलिस कर्मी हवलदार दीपक दहिया है। जी हाँ, दीपक दहिया उस पुलिस कर्मी का नाम है जो फायरिंग करते हुए इस युवक शाहरुख के सामने निडरता से खड़े रहे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसका सामना किया। दीपक कहते हैं कि अगर मैं डर जाता तो वो लड़का, वो शख्स कई लोगों की जान ले सकता था, इसलिए वो डंडे के सहारे ही युवक के सामने आगे बढ़ते रहे। सोनीपत निवासी दीपक दहिया 2010 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। वो वर्तमान में 3rd बटालियन में तैनात है और वजीराबाद PTS में हेड कांस्टेबल की प्रशिक्षण ले रहे हैं। हिंसा को देखते हुए दीपक की तैनाती मौजपुर वैष्णो देवी मंदिर के पास की गई थी। वहीं अपने साथियों के साथ मेट्रो लाइन के आसपास खड़े लोगों को तितर बितर कर रहे थे दीपक दहिया। वहीं उनके सामने एक युवक आता है, बंदूक तानता है, फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, लेकिन इस बहादुर सिपाही की हिम्मत और जज्बे के आगे उसकी बंदूक कहीं नहीं टिकती। दीपक का कहना है कि अगर वो युवक आगे बढ़ जाता तो कई लोगों की जान ले सकता था, इसलिए वो लाठी लेकर युवक का सामना करने के लिए बढ़ गए। युवक ने दीपक को डराया भी, लेकिन वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे। सलाम करते हैं हम ऐसे सिपाही को जो डंडे के जोर पर पुलिस के वर्दी का सामना करते हुए, पुलिस की वर्दी पहनकर एक बंदूकधारी का सामना करने में सक्षम है। जहां एक तरफ दीपक दहिया का ये कार्य सराहनीय है, वहीं आपको बता दें पुलिस आयुक्त मनदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि शाहरुख नाम के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की धारा के तहत FIR दर्ज कर ली है।